बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद करूँगी। आज के इस लेक्चर में हम राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड नेटवर्क लेयर्स में डिस्कस करेंगे। हमारे पास राउटिंग क्या होते हैं, फॉरवर्डिंग क्या होते हैं, या राउटिंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, फॉरवर्डिंग हमारे पास जो डिफरेंट मैकेनिज्म है वो क्या होती है, या फॉरवर्डिंग टेबल हमारे पास क्या होते हैं, उसी को सारी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है एंड टू नेटवर्क लेयर में। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ राउटिंग। राउटिंग हमारे पास क्या होते हैं, या हमारे पास जो है ना फॉरवर्डिंग क्या होता है। सही, तो राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग बेसिकली हम आ सकते हैं कि फॉरवर्डिंग रेफर करता है टू द राउटर लोकल एक्शन ऑफ ट्रांसफेयरिंग पैकेट फ्रॉम एन इनपुट लिंक्स इंटरफेस टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक इंटरफेस। राउटिंग रेफर टू द नेटवर्क वाइड प्रोसेस दैट डिटरमाइंस द एंड टू एंड पार्ट्स डेट टू पैकेट टेक फ्रॉम द सोर्स हैं। तो ये तुम्हारे पास सिंपल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के रिलेटेड था। असल में राउटिंग हमारे पास जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होते हैं, ऑपरेशन होता है। सो ये जिसमें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं पार्ट को, और हम इसको ऑपरेशन इस तरह यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक या इसके साथ हमारे पास एफिशिएंसी के साथ कुछ काम हो, और इस हमारे पास जो है ना हम एक पार्ट पाथ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके थ्रू हम जो है ना क्या करते हैं उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली राउटर हमारे पास पीसीज ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो हमारे पास फॉरवर्डिंग पैकेट को क्या करें, उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दें। बेसिकली तो काम हमारे पास ये होता है। तो फॉरवर्डिंग ये अभी तो समझ आ चुका होगा। अच्छा, तो आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अच्छा, अभी थोड़ा सा ज़रा नेटवर्क को करेंगे और इसी अपनी सर्च टॉपिक को आगे ले जाएंगे। अच्छा, नेटवर्क लेयर हमारे पास जो है ना थर्ड लेयर है एन ओएसआई मॉडल में। एट हैंडल द राउटिंग एंड सेंडिंग ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर हैज टू कैरी द डेटा पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन without changing or using it. The role of the network layer is to move packet from a sending host to a receiving host. To do so, two important network layer function can be identified. One is routing and second is forwarding. अब राउटिंग क्या होता है, फॉरवर्डिंग क्या होता है। तो राउटिंग तो हमने आपको बताया कि हमारे पास रेफर करेगा और नेटवर्क्स वाइड जो प्रोसेस होते हैं डिटरमाइन करेगा एंड टू एंड पार्ट को, और पैकेट किस तरह लेगा सोर्स टू डेस्टिनेशन में। तो ये इसके अलावा हमारे पास जो फॉरवर्डिंग है, फॉरवर्डिंग भी हमारे पास बेसिकली रेफर करता है राउटर लोकल एक्शन जो हमारे पास ट्रांसफरिंग पैकेट फ्रॉम एन इनपुट लिंक इंटरफेस टू द अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक इंटरफेस। तो ये अभी थोड़ा सा ज़रा स्लाइड के लिहाज से मैं इसको डिस्कस करूँगी कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर हैज टू कैरी द डेटा पैकेट फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन विदाउट changing or using it. The role of the network layer is to move packet from a sending host to a receiving host. To do so, two important network layer function can be identified. One is routing and second one is forwarding. ओके,
अभी थोड़ा सा ज़रा हम राउटिंग की फॉरवर्डिंग की तो समझ आ चुकी है। अभी थोड़ा सा ज़रा हम एल्गोरिथम्स पर आएंगे एंड हमारे पास जो है ना राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, किस तरह होते हैं। सही, तो पहले थोड़ा सा मैं ज़रा राउटिंग एल्गोरिथम को सिंपल अल्फाज में आपके लिए क्लियर कर दूँ कि राउटिंग एल्गोरिथम हमारे पास सेट ऑफ सेट होता है स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक एफिशिएंसी को। जब हमारे पास क्या होते हैं हम कोई भी हमारे पास पैकेट हो डेटा का ये हमारे पास जोड़ जाए उसकी जो सोर्स होती है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पाथ होंगे कि हमारे पास ये लेगा और डिस्टिनेशन तक ये सारा कुछ करेगा। क्लियर है? तो राउटिंग एल्गोरिथम हमारे पास यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के मैथमेटिक्स बेस्ट है पार्ट टू टेक। Routing is the process of selecting a path from traffic and a network or between or across multiple networks. Packet forwarding and then transmit of network packet from one network interface to another. Intermediate nodes are typically network hardware. समझ आ चुके हैं ना क्या है कि इंटरमीडिएट नोड जो है ना टाइपिकली नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस जिसे हमारे पास राउटर गेटवे फायरवॉल एंड स्विचेस जैसा हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम्स है। सही, डिवाइसेस है इसके थ्रू हम ये सारा कुछ करते हैं। ए राउटिंग एल्गोरिथम एज ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन यूज टू डायरेक्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, राउटिंग एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन यूज टू डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक एफिशिएंसी एंड ए पैकेट ऑफ डेटा यूज एट सोर्स। देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट इट कैन टेक टू एज डेस्टिनेशन। द राउटिंग एल्गोरिथम इज यूज टू डिटरमाइन मैथमेटिकली द बेस्ट पार्ट टू टेक। राउटिंग मीन्स टू डिसाइड योर pathway date on which path you will be reach your destination operation destiny source। okay, अब थोड़ा सा ज़रा फॉरवर्डिंग टेबल पर आएंगे। फॉरवर्डिंग टेबल के तो फॉरवर्डिंग हमारे पास आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया है। टेबल हमारे पास होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं सारे डेटा को। तो फॉरवर्डिंग टेबल फॉरवर्डिंग मीन ट्रांसफर फ्रॉम वन लैंग टू अनदर। फॉरवर्डिंग टेबल आर समटाइम्स कॉल फ्लो टेबल एंड द ओपन। ये ना कॉल करते हैं हम इसको कहते हैं द ऑफेरा फ्लो स्टैंडर्ड। ओके, तो दिस आर टेबल डिट डिफाइन हाउ ए फ्रेम विल बी फॉरवर्डिंग आउट ऑफ गिवन स्विच आर राउटर एंड द नेटवर्क। दिस टेबल वे वर्क मैचिंग स्पेसिफिक हेडर पीस सच एज द आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस। फॉर एग्जांपल यू आर ऑन प्लेस वन एंड यू वांट टू गो प्लेस फाइव बट इन बिटवीन these two places are 2, 3, 4 okay। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेंगे। पीछे तो आपको समझ आ गए ना कि हमारे पास जो टेबल है काम करता है मैचिंग स्पेसिफिक हैंडल फील्ड पर और आई वी डेस्टिनेशन एड्रेस भी है। इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम आगे चलेंगे एग्ज़ाम्पल के तो आपको क्लियर करेंगे कि यू आर ऑन प्लेस वन एंड यू वांट टू गो प्लेस फाइव बट इन बिटवीन दीज टू प्लेसेज आर places which are which you have to
टू प्लेसेस। ओके स्टूडेंट, तो फॉरवर्डिंग टेबल तो समझ आ चुका है ना। फॉर एग्जांपल यू आर ऑन प्लेस वन एंड यू वांट टू गो प्लेस टू, समझ आ रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, जिस तरह हमारे पास नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हम जाएंगे, तो बोर्ड एंड बिटवीन दीज टू फ्लैशेज देयर आर टू थ्री फोर फ्लैश विच यू हैव टू क्रॉस, दीज फ्लैश आर राउटर, सो टू राउटर यू विल फाइंड योर डेस्टिनी सोर्स। राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग हमारे पास क्या होते हैं और इसके एल्गोरिथम क्या होते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह होते हैं, आप जरा इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमारे पास ये टेबल है राउटिंग एल्गोरिथम का, यहाँ पर हमारे पास हेडर वैल्यू के पास आउटपुट लैग होंगे, जहाँ पर हमारे पास वैल्यू हम अरेंजिंग के पैकेट हेडर में ये सा आएगा 1 2 3 4 5 6 और इसी राउटर से गुजर के ये अपने अपने लाइब्रेरीज को जाएगा। अब मेरे पास ये पैकेट आए हैं, ये जो है ना एक है, लेकिन वो इस रूट पर भी नहीं, इस पर भी नहीं, तो वो इस पर आके यहाँ पर अपने लिए उसको ढूंढेगा, सही है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ चुकी होगी। ये हमारे पास जो है ना फॉरवर्डिंग क्या होता है, सही है, एंड राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।